इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आपको बताते चले कि ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। कल दिल्ली में होगी इंडिया समन्वय समिति की बैठक। तो इंडिया गठबंधन में बताते चले आपको प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश को लेकर ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि देश का नेतृत्व करने के लिए सीएम नीतीश तैयार हैं। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और इधर ललन सिंह का यह बयान। तो बताते चले आपको कि जेडीयू की बैठक से पहले भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, सीएम नीतीश कुमार के जैसा हो। तो इधर देखिए ललन सिंह ने भी बयान दिया है और इस बयान को लेकर के घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी जानकारी है इंडिया गठबंधन की। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें कि सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें चलें कि इधर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि सीएम नीतीश कुमार तैयार हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए सीएम नीतीश तैयार हैं। इधर जेडीयू की बैठक से ठीक पहले ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी और कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और इसी बीच क्या कुछ कहा ललन सिंह ने सुनवाते हैं आपको। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे गिनती करिएगा 2005 से तो 18 साल हो जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर के ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है। लेकिन बीच में एक साल वो अपना इस्तीफा देके जीतन राम मांझी को बना दिए तो उसको घटा दीजिए तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो। आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा सके, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का धर्म ही एक ही है, वो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। उनका धर्म है, उनका मानना है कि हम जब तक इस गद्दी पर है, इस कुर्सी पर है, जब तक हम सार्वजनिक जीवन में है तब तक हम सेवा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और कर रहे हैं।